हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी पीपीसी कर के बारे में, पीपीसी कर क्या होता है, कैसे बनता है, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, या फिर इसे हम दूसरा नाम भी बोलते हैं अल्टरनेटिव कॉस्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास टू थिंग्स होना ज़रूरी है, टू कमोडिटी या फिर कोई भी दो चीज़ होना ज़रूरी है। मान लो मेरे पास दो चीज़ है, वीट एंड राइस। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, एंड जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मान लो मेरे पास है 10 लाख। रिसोर्सेज कितना है मेरे पास? 10 लाख। तो ये जो लाइन हमारी बनती है, मैंने आपको पीपीसी में बताया था कि इस 10 लाख, इस लाइन पे क्या हो चुके हैं हमारे जो हैं वो 10 लाख, यानी हमारे रिसोर्स का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो चुका है, फुल्ली रिसोर्सेज यूज हो चुके हैं। फुल्ली रिसोर्सेज आर यूज्ड। ठीक है, फुल्ली रिसोर्सेज आर यूज्ड। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि हम एक गुड के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले वाले गुड का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कम करते हैं। कैसे? अब मेरे पास है कितने रिसोर्सेज, कितना है 10। इस लाइन का मतलब तो है यहाँ पे हमारा 10 लाख हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे गुड एक्स मैं मानती हूँ वीट है, और गुड वाई मेरा है जो कि है राइस। बी पॉइंट पे मैंने माना है कि मैं जो वीट का प्रोडक्शन है वो कर रही हूँ मैं 10, और जो राइस का है उसका प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ 8। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन कितना कर रही हूँ 8, और वीट का कर रही हूँ मैं 10। लाइक दिस, ये हुआ। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हुआ वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोडक्शन वीट का हो रहा है, और ये जो इतना एरिया है वो किसका प्रोडक्शन बता रहा है, वो बता रहा है राइस का प्रोडक्शन। अब मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मुझे वीट का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैं बी से सी पॉइंट पे आती हूँ, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया है, राइस बढ़ा दी है मैंने 10, राइस कितने कर दिए, इंक्रीज करके मैंने 10 कर दिए हैं, तो वीट को मुझे कम करना पड़ेगा। तो वीट को मैंने कम करके मान लो 7 पे कर दिया, कितना कर दिया मैंने वीट को 7 कर दिया। तो जो मैं ये नीचे की तरफ आई हूँ, और इसमें मैंने क्या किया, इतना इंक्रीमेंट किया, इसने इतना लॉस लिया और इसने इतना गेन किया। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने 3 का लॉस, यानी 10 to 7 पे आई मैं, और यहाँ पे मैंने कितना इंक्रीज किया, +2 का, और यहाँ पे -3 का। तो ये जो एरिया हुआ वो बी टू सी तक आने का जो ये एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो चीज है। ओके, अगर आगे मैं आपको टेबल से एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मान लीजिए मेरे पास दो चीजें हैं, मान लीजिए मेरे पास कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं, 100 रुपए हैं मेरे पास, कितने रुपए हैं टोटल, 100 रुपए, यानी ये मेरा रिसोर्स है, क्या है ये मेरा रिसोर्सेज है। अब मान लीजिए मेरे पास दो चीज है, बिस्किट ले लेती हूँ मैं, एक ले लिया मैंने हैप्पी बिस्किट, और दूसरा ले लिया मैंने हाइडन सिक बिस्किट। ठीक है, इसकी रेट है 10 रुपए पर पैकेट, और इसकी है 5 रुपए पर पैकेट। ठीक है, मान लो मैंने इसके 20 पैकेट ले लिए, कितने ले लिए, इसके मैंने 20 पैकेट ले लिए, तो 100 रुपए कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, यानी हमने पूरे रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, हमें हाइडन सिक के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अगर मैं
इसके 10 के 10 पैकेट ले लेती हूँ, इसके मैंने 10 के 10 पैकेट ले लिए, 10 रुपए के 10 पैकेट ले लिए, तो यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कॉम्बिनेशन बने, क्या बने, ये इसने इसके लिए सैक्रिफाइस किया, इसने इसके लिए सैक्रिफाइस किया। ठीक है, अब हम आगे इसे डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, तो इसकी डिफाइन देखिए कैसे है। द कॉस्ट विच एनकरेज रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन द नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्शन के लिए हम जो पुराना भूल जाते हैं, फॉरगॉन, जिसे हम भूल चुके हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हम एक का प्रोडक्शन करने बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन क्या करते हैं, कम करते हैं। डायग्राम टेबल के थ्रू देखिए, ये है हमारा वीट और राइस। ठीक है, वीट अगर मैं 60 लेती हूँ तो राइस का प्रोडक्शन मैं नहीं कर पाऊंगी, यानी 60 जो है वो हमारा कंप्लीट रिसोर्सेज है। और बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे क्या हो चुका है, हमारे ये रिसोर्स पूरा कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुके हैं। अगर मुझे राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी 0 से मुझे 20 पे आना है, तो मुझे इसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैंने इसका कितना कम किया, मैं 60 to 50 पे आई तो मुझे इसका इंक्रीमेंट मिला 20। और भी बढ़ाना है अगर मुझे राइस का प्रोडक्शन, तो मुझे और वीट का कम करना पड़ेगा, मैं वीट का प्रोडक्शन 50 से लेके 40 किया तो मेरा ये कितना हो गया, 30। देन मैंने इसका प्रोडक्शन 0 कर दिया तो मेरा राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया, 40 हो गया। डायग्राम के थ्रू मैंने ओ वाई एक्सिस पे वीट लिया है, ओ एक्स एक्सिस पे मैंने राइस लिया है। ठीक है, इस पे मैंने ले लिए हैं कंटेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50 to 60। यहाँ पे मैंने लिए हैं 50 तक राइस के। ठीक है, वहीं पे जहां मेरा 60 प्रोडक्शन हो रहा है, किसका, वीट का, राइस का कितना हो रहा है, 0। ये मेरा कॉम्बिनेशन ए। कॉम्बिनेशन बी देखिए, जहां मेरा प्रोडक्शन 50 हो रहा है, वीट का कितना हो रहा है, ये 50, और राइस का कितना हो रहा है, 20, ये राइस का 20। तो यहाँ मुझे मिला बी, कौन सा पॉइंट मिला मुझे, पॉइंट बी। यानी पॉइंट बी पे हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट रिसोर्स यूटिलाइज हो चुके हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे, जो कि है वीट है मेरा 40 पे और राइस है 30 पे। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, लॉस किया, 50 to 40 पे आए हैं, जैसे 60 to 50 पे आए हैं, 50 to 40 पे। तो ये जो बी टू सी पॉइंट की जो जर्नी की है हमने, वो हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज कहलाती है। ठीक है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे हम आगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ओके, अब हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, व्हाई डज पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। अभी हमने देखा कि पीपीसी कर्व हमारा कैसा होता है, अप टू डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ कमोडिटी वाई। यानी कमोडिटी वाई जो सेक्रीफाइस करती है किस चीज के लिए, फॉर एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। यानी कमोडिटी एक्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, वो कमोडिटी वाई क्या करती है, जो सेक्रीफाइस करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज MOC और MRT. MOC मीन्स होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड MRT मीन्स होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट हम आगे चलेंगे इसके फॉर्मूला की तरफ. MOC और MRT यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस अपॉन गेन. यानी डेल्टा वाई ने कितना लॉस किया अपना, तब जाके किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, किसका गेन हुआ, हाँ गुड एक्स का. ठीक है, तो डेल्टा वाई चेंज इन गुड वाई, ठीक है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई. मतलब चेंज किस सेंस में हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज के. ठीक है, डेल्टा एक्स चेंज इन गुड एक्स इन, इट मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स. ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स. यानी किसके आउटपुट में लॉस ले रहे हैं हम, गुड वाई के आउटपुट में लॉस ले रहे हैं. क्यों? ताकि हम एडिशनल यूनिट ले सकें किसकी, गुड एक्स की. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं. द शेप ऑफ PPC इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ चेंज इन MRT और MOC. यानी MRT और MOC में जो चेंजेस आएंगे वो उनकी रेट डिसाइड करेगी कि PPC का शेप कैसा होगा. ठीक है, हियर द रेट ऑफ MRT इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. यानी MRT अगर कंटिन्यूअसली क्या होती है, इंक्रीज होती है, सो दैट आवर कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. यानी जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन, या फिर बोल सकते हैं डाउनवर्ड होगा. ओके, आगे हम बात करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टेबल के थ्रू, समझेंगे हम के टेबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिए हैं कॉम्बिनेशन जो कि है ABCDEF. ये है हमारा गुड वाई और ये है हमारा गुड एक्स. ठीक है, गुड वाई देख लीजिए हमारा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है वो. ठीक है, किसके लिए, किसको इंक्रीज के लिए, गुड एक्स देख लिए इंक्रीज हो रहा है. यानी एक डिक्रीज होने पर दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जैसा कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था हमें किस किस की नीड है, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स की नीड है. ठीक है, तो हम डेल्टा वाई निकालेंगे. डेल्टा वाई देखिए कंटिन्यूअसली कितना चेंज आ रहा है, तो ऊपर जीरो तो डैश, देन 100 to 90 10 का चेंज आया माइनस 10 का, 90 to 70 माइनस 20 का चेंज आया, 70 to 40 माइनस 30 का चेंज आया, 40 to 10 माइनस 30 का चेंज आया, 10 to 0 माइनस 10 का चेंज आया है. ठीक है, तो ये चेंज जो आ रहा है उसमें हम माइनस को क्या करेंगे, दिखाया नहीं जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेल्टा एक्स की. ठीक है, 87 to 85 कितना चेंज आया, प्लस 2 का, 85 to 75 इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना, तो 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 85 एंड 87. तो देखिए 0 to 25 प्लस 25 का चेंज आया, 25 to 50 प्लस 25 का चेंज आया, 50 to 75 प्लस 25, 75 to 85 प्लस 10, 85 to 87 प्लस 2 का चेंज आया. तो देखो डेल्टा एक्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट होके डिक्रीज हो रहा है. ये देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है, देन वापस डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब इससे हम निकालेंगे MRT और MOC, जो डिसाइड करेगी कि हमारा जो PPC का स्लोप है वो कैसा, यानी PPC का जो कर्व है वो किस शेप का होगा. ठीक है, तो अगर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारा जो हमारी जो MOC है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, यानी MRT जो है, वो अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ है तो हमारा जो PPC कर्व है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यानी कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई है हमारा 10 और डेल्टा एक्स है हमारा 25. वैसे ही यहाँ पे 20 अपॉन 25, 30 अपॉन 25, 30 अपॉन 10, 10 अपॉन 2. ठीक है, निकालेंगे इसको 0.4, 0.8, 1.2, 3 एंड 5.
तो देखिए यहाँ पे आप ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो पीपीसी कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। आगे हम डायग्राम की बात करेंगे। देखिए डायग्राम के अंदर आप यहाँ पे मैंने लिया है गुड एक्स, यहाँ पे मैंने लिया है गुड वाई, ठीक है, सॉरी ये है गुड एक्स एंड ये है गुड वाई, ठीक है। गुड वाई हमारा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है कंटिन्यूअसली, और ये हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है गुड एक्स, ठीक है। तो इसी टेबल से मैंने ये डायग्राम बनाया है कि हम, तो ये जो बी टू ए टू बी हुआ या बी टू सी हुआ, ये हमारी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जब हम सी टू बी की तरफ देखेंगे, यानी ये क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। देखिए इस डायग्राम को मैंने अभी भी आपको पहले भी बना के बताया है। अब देखिए द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन, द राइजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो रही है, राइजिंग, रिफ्लेक्ट दैट एज मोर एंड मोर वीट केजी इन सेक्रीफाइस फॉर एडिशनल क्लोथ। मान लीजिए मैंने गुड जो एक्स है वो मेरा क्या है, क्लोथ है, और ये मेरा वीट है, ठीक है। द कॉस्ट इन टर्म ऑफ वीट केजी पर यूनिट ऑफ क्लोथ इन मीटर्स प्रोड्यूस्ड राइजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड्स टू राइज एज रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वीट टू क्लोथ। इनिशियली व्हेन 25 मीटर ऑफ क्लोथ आर प्रोड्यूस्ड 10 केजी ऑफ वीट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर द नेक्स्ट 25 मीटर ऑफ क्लोथ 20 केजी ऑफ वीट इज टू सेक्रीफाइस एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन थ्रू, एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जाम्पल। ये मैंने क्या लिया है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का बताया है आप लोगों को, ठीक है। ये तो हुई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियोज जो भी बनेंगे वो आपके सेकेंड चैप्टर के ऊपर बनेंगे।